दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया। जो हमारी बिल्डिंग है कितने पार्ट में डिवाइड की हुई है, आज का हमारा वही टॉपिक है जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड्स ऑफ इंडिया के थ्रू जिसको किस भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोस्तों जो हमारे घर हो गए, बंगलो हो गए, फ्लैट्स हो गया, हाउस हो गया, डॉर्मेटरीज हो गया, हॉस्टल हो गया, जहाँ पर हम रहते हैं, जो रहने के पर्पस के लिए, जहाँ पे पूरे पब्लिक पीपल जो सब रहते हैं, उसको हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहेंगे, जिसमें हमारे ये पार्ट्स आते हैं। बंगलो आ गया, फ्लैट आ गया, हाउसेज आ गए, डॉर्मेटरीज आ गए, हॉस्टल्स हो गए, जो एक पर्पस रहने के पर्पस के लिए हमारे यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आते हैं। दोस्तों एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग जहाँ पे हम शिक्षा के लिए जो हमारे बिल्डिंग होती है, जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, जो एक जो हमारे पढ़ाई के लिए जो बिल्डिंग बनी होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, तो उस बिल्डिंग को जो हम एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं, ये उसी के पार्ट है। दोस्तों तीसरा है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं ओल्ड एज होम, जेल, प्रिजन, मेंटल हॉस्पिटल, ये हमारे जो है ये हमारे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आते हैं। चौथा है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग जहां पर दोस्तों गैदरिंग की जा सकती है, जैसे एक्सीबिशन हो गया, म्यूजियम हो गया, जिम हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, जहाँ पे काफी पब्लिक का डेली का आना जाना जो होता है, जो एक टाइप से गैदरिंग जो होती है, तो वो असेंबली बिल्डिंग होगी, जहाँ पे जैसे आपकी मीटिंग भी होती है, एक्सीबिशन होता है, म्यूजियम होता है बहुत, तो वो जो हमारे हैं वो हमारे असेंबली बिल्डिंग में आते हैं। पांचवा है दोस्तों बिजनेस बिल्डिंग, जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, ऑफिस हो गए, शॉप्स हो गए, स्टोर्स, मार्केट, मॉल, ये सारे दोस्तों हमारे बिजनेस बिल्डिंग में आते हैं। छठा है दोस्तों मर्सेंटाइल बिल्डिंग, जहां पर हम कोई सामान रखते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, एक टाइप से स्टोर्स हो गया, जैसे आपके ग्रोसरी स्टोर हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, गैस स्टेशन हो गया, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर जो पीछे एक ग्रोसरी का रखा होता है, जहां पर हम सामान लेते हैं और वहीं से ही सामान बिकता है, तो वो जो है वो हमारे मर्सेंटाइल बिल्डिंग में आते हैं। दोस्तों सातवां है दोस्तों इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो हमारी इंडस्ट्री चलती है उस बिल्डिंग का है, जैसे हमारी एक तो फैक्ट्रीज होगी, वर्कशॉप्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, पंपिंग स्टेशन हो, ये जो हमारे सारे हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आते हैं। आठवां है दोस्तों स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग जहां पर हम कोई सामान को स्टोर करते हैं, तो वो हमारे स्टोरेज बिल्डिंग में आते हैं, जैसे गोडाउन हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, देखा होगा आपने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बने होते हैं जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गए, स्टेबल्स, गैराज, हैंगर, तो ये सारे जो है हमारे ये स्टोरेज बिल्डिंग में आते हैं। नौवा है दोस्तों हैजार्डस बिल्डिंग। हैजार्डस बिल्डिंग जो हमारे जैसे जो एक टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जैसे कोई टॉक्सिक हो गया, जहां पर हम एक हैजार्डस जो हमारे रिएक्टिव टाइप के होते हैं, जैसे यूज फॉर हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज ऑफ हाईली कम्बस्टाइल एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट, जैसे कोई कब गंद आया, उसके बाद हमने उसको रीस्टोर किया, उस टाइप से बिल्डिंग को, जैसे आपने देखा वो कूड़े कचरे वाली बिल्डिंग बनी होती है, जहां पर जो सड़ जाती है जो चीज, तो उसी बिल्डिंग को हम हैजार्डस बिल्डिंग कहते हैं, इसके अंदर हमारे ये सब आते हैं जो टाइप है इसके। तो दोस्तों यही थे हमारे कुछ बिल्डिंग के टाइप्स जो हमारे बिल्डिंग के डिवाइड किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को।